आक्रोश का स्तर न पूछो, आसमां तक शोर है। आओ मिलकर हम बता दें, बाजुओं में जोर है। न्याय का अभिप्राय हो ना मार्ग ये अवरुद्ध हो, श्री राम सी सेना चले अब राक्षसों से युद्ध हो। थर्रा उठें सत्ता सदन, अब जंग हो घनघोर हो, रात की कालिख मिटे उम्मीद की वो डोर हो। मुट्ठियों को भींच लो, शमशीर अपनी खींच लो, भेड़ियों के खून से ही इस धरा को सींच लो। कर्म इतना सख्त हो ना सोचने का वक्त हो, इंसाफ की तलवार हो हैवानियत का रक्त हो। ये मशालें भर नहीं, आक्रोश का अग्निकुंड है। खामोश जो नरमुंड हैं, क्या कायरों के झुंड हैं? दुशासनों के पाप से जल न जाए ये शहर, चुप्पियों की कोठरी में सो गया पौरुष अगर। लाडली चीखें तेरी घर शोर में खो जाएंगी, अनुशासनों की सब लकीरें अब फना हो जाएंगी, अनुशासनों की सब लकीरें अब फना हो जाएंगी। आक्रोश का स्तर न पूछो, आसमां तक शोर है। आओ मिलकर हम बता दें, बाजुओं में कितना जोर है। उजाला होने दो, न्याय होने दो। कोलकाता कांड पर इंसाफ की यही आवाज आज बुलंद है। नमस्कार, मेरा नाम शीरीन है। कोलकाता के डॉक्टर बिटिया को इंसाफ कब मिलेगा? कब तक इंसाफ के लिए धरने होते रहेंगे? कब तक देश से आवाजें उठती रहेंगी कि बंगाल शर्मिंदा है? क्योंकि डॉक्टर बेटी के कातिल अभी जिंदा है। क्यों गुनहगारों पर सिस्टम खामोश है? आज इंसाफ यही तकाजा सत्ता प्रतिष्ठानों में बैठे जनता के नुमाइंदों से कर रहा है। आज ममता सरकार के द्वार कोलकाता से न्याय क्रांति का ऐसा ज्वार उठा जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई। आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में हुए जघन्य अपराध के खिलाफ आज कोलकाता में एक अलग तरह का आंदोलन हो रहा है। लड़ाई जनता बनाम दीदी सरकार के बीच दिख रही है। कोलकाता के डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट को थीम दिया है, उजाला होने दो, न्याय होने दो। इसके लिए पूरे कोलकाता शहर की बत्तियां 9 से लेकर 10 बजे तक बुझाने का आग्रह किया गया है। लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए कोलकाता के 106 शहरों में प्रोटेस्ट हो रहा है। डॉक्टर बेटी को जल्द इंसाफ मिले, इसके लिए कैंडल मार्च आज सड़कों पर निकाला जा रहा है। पीड़ित के सम्मान में पूरा कोलकाता शहर एक मोमबत्ती या दीपक हाथ में लेकर निकला है। इस वक्त नाइंसाफी के अंधेरे को चीरने के लिए कितने लोग सड़कों पर हैं, कहां कहां बत्ती बुझाओ और डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाओ की गूंज सुनाई दे रही है। आखिर डॉक्टर्स के रिक्लेम द नाइट मूवमेंट का कितना असर है और क्या ममता सरकार की भी इस न्याय क्रांति पर नजर है, ये सब जानने के लिए मैं आपको सीधे कोलकाता लेकर चलती हूँ। मेरे साथ मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोहिवाल हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा ये तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। रात के अंधेरे में आंखों में एक उम्मीद की रोशनी लिए और हाथों में मोमबत्ती लिए, ये उस इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं जिस इंसाफ के लिए उस बेटी का परिवार, उसके दोस्त और ये पूरा देश आज तक इंतजार कर रहा है। और आइए आपको सीधे सड़कों पर, कोलकाता की सड़कों पर जिस तरीके का ये हुजूम दिख रहा है, जो आपको ये गूंज सुनाई दे रही है, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है? श्याम बाजार इलाके से मनोज्ञा लोहिवाल मेरे साथ जुड़ी हुई है, हमें समझाएंगे। मनोज्ञा, अपने शब्दों में एक बार फिर बयां कर दूं, ये कहते हुए कि जो लॉ जल रही है ये लॉ जलनी चाहिए और वहीं दूसरी ओर लॉ यानी कि कानून
पर हो रहे सवाल को ये लोग किस तरह से इसको नाबूद करेंगे ये देखना होगा। एक ऐसी जो ज्वाला है ये लो ऐसी ज्वाला में तब्दील हो गई है जिस पर सवाल उठ रहे हैं, जहां पर अब पूछा जा रहा है कि किस तरह से लोग एकत्रित हुए हैं, वहीं साथ ही साथ सैकड़ों लोग जिन्हें घर से किसी ने बुलाया नहीं है, सिर्फ कहा है कि सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे से 10 बजे तक यहाँ पर एकत्रित होंगे। सबके हाथ में मोमबत्ती है, सभी के हाथ में यहाँ पर अपने हाथों में मोबाइल है और अपने मोबाइल को लेकर यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं जो ये पूछ रहे हैं वी वांट जस्टिस और आरजी करके लिए इंसाफ मांग रहे हैं, और उसके साथ साथ ये पूछ रहे हैं जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, एक मोमबत्ती, ये एक मोमबत्ती नहीं है लेकिन ये एक ऐसी ज्वाला है जो जल रही है, जो सवाल कर रही है कि किस तरह से यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं और लोग एकत्रित होकर यहाँ पर बार बार सवाल कर रहे हैं। सैकड़ों लोग, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, जहाँ तक आपको लाइट बंद करने की कवायद की गई है, कई दुकानों ने रात को 9 बजे अपनी दुकानों की लाइट बंद कर दी है, और लाइट बंद करने के साथ यहाँ पर लोग अब सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार इंसाफ कब मिलेगा। मोमबत्ती हाथ में है, लाइट हाथ में है, एक के बाद एक ये मिले सुर मेरा तो हमारा से ज्यादा बड़ी बात हो जाती है, जहाँ पर एक हाथ में मोमबत्ती, एक उंगली की ताकत, एक हाथ की ताकत, एक चेहरे की ताकत, एक आवाज की ताकत, इनमें से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता है, लेकिन यहाँ सब एक साथ एकत्रित हुए हैं, सिर्फ यही कह रहे हैं वी वांट जस्टिस, वी कैन ओवरकम। अब कल्पना कीजिए कोलकाता की सड़कों पर जब इस समय यहाँ पर यातायात पूरे अपने पीक पर होता है, 9 बजे का टाइम होता है जब यहाँ पर सड़कों पर आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ियाँ दिखती हैं, पर आज अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ ये महिलाएं जो ये बता रही हैं कि हमें कब इंसाफ मिलेगा, जिसे आप देख लीजिए हर एक के चेहरे पर एक आक्रोश है। ये 5 पॉइंट क्रॉसिंग है, इसको श्याम बाजार क्रॉसिंग कहते हैं, कोलकाता उत्तर कोलकाता की खास तौर से एक ऐसी जगह। आज भी कोलकाता में जगह जगह पर करीब 100 से ज्यादा जगहों पर विरोध इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, और प्रदर्शन के साथ साथ लोग ये सवाल कर रहे हैं। आपको मैं इसलिए जरूरी है ये बताना कि ये लोग यहाँ के स्थानीय निवासी से लेकर न जाने कितनी देर से बैठे हुए हैं, सबके हाथ में ये पोस्टर्स, ये पोस्टर नहीं है श्री, ये वो सवाल है, एक आम आदमी पूछ रहा है कि सरकार कब जवाब देगी, मिलॉर्ड कब जवाब देंगे। नेताजी की मूर्ति आपको सूरज पांडे दिखा रहे हैं, देखिए जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ जनता ही नजर आएगी। ये वो जनता है जो सड़कों पर उतरी है, 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, उसके पहले रिक्लेम द नाइट उसको कह लीजिए, या फिर आप क्लेम द फ्रीडम, क्लेम द राइट, जो सही आप कह रही हैं, ये आक्रोश नाम नहीं उस सिस्टम की नाकामी है जो आम जनता उस नाइंसाफी को होने दिया, जिस नाइंसाफी के खिलाफ और इंसाफ की आस में आज ये सड़कों पर उतर आए हैं। आप मेरे साथ रहिएगा मनोज्ञा, क्योंकि 106 अलग अलग जगहों पर आज कुछ इसी तरीके का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनकी उम्मीद उस सिस्टम से, उस सरकार से, उस प्रशासन से टूट चुकी है, जिससे ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि शायद इतना जघन्य अपराध जो उस बेटी के साथ हुआ, जो उस परिवार के साथ हुआ, जिसने देश की हर बेटी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या रात का अंधेरा उसके बाहर निकलने के लिए सुरक्षित है, क्या वो उस समाज में सुरक्षित है जहां पर उसने कई सपने अपने लिए देखे हैं। और यही सवाल आज ये तमाम लोग पूछ रहे हैं। ये आक्रोश यूं ही नहीं उठा, ये जो हाथों में मशाले लेकर, ये मोमबत्तियां लेकर इस रोशनी के जरिए अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि आपके राज्य में ये कैसे हो गया कि एक बिटिया जिसने अभी अपने भविष्य के लिए बहुत कुछ सोच कर रखा था, अपने सपने संजोए थे, वो पल भर में टूट गए क्योंकि कानून के रखवाले या फिर सरकार जो तमाम तरह के दावे करती है सब फेल हो गए। और वो बेटी जिसके साथ सिर्फ अपराध नहीं हुआ, उसकी हत्या हो गई, उसके परिवार से वो उम्मीद छिन गई, जिस परिवार को उस बेटी पर पूरा भरोसा था कि उज्जवल भविष्य उस बेटी के जरिए ही उन्हें मिलेगा। अलग अलग जगहों पर कुछ इसी तरीके की गूंज आपको आज सुनाई देगी कोलकाता के सड़कों पर। मैं आपको लेकर चलती हूं, देवाशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं एक और जगह से, जहां पर कुछ इसी तरीके का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दे रहा है। देवाशीष, जरा अपने कैमरे के जरिए दिखाइए कि आपके आसपास ये आक्रोश, ये गुस्सा और ये जो प्रदर्शन हो रहा है वो किस तरह का दिख रहा है। खड़ा हूं कोलकाता के बेहाला पे,
और यहाँ पे जो हमारी नज़र में आ रहा है, हम आपको पहले तो ये दिखाएंगे कि यहाँ पे बिहाला में, कोलकाता के बिहाला में हम लोग खड़े हैं और यहाँ पे जो नज़र में आ रहा है कि भारी मात्रा पे सड़कों पर उतर आए हैं जनता, और जिसमें हमारे कैमरा पर्सन प्रतीक राय को मैं गौर करने के लिए कहूँगा कि जो नज़र आ रहा है कि भारी मात्रा पे महिलाएं वो सड़कों पर उतर आए हैं, क्योंकि उनको न्याय की मांग पे वो उतर आए हैं। वो उन नारे लगा रहे हैं कि वी वांट जस्टिस। दिन बीत चुके हैं, हफ्ते बीत चुके हैं, आरजीकर अस्पताल में जो घटना घटी है, जो दरिंदगी की घटना घटी है, उसके बाद न्याय कब मिलेगा, ये सवाल तो उठ रहे हैं। और प्रतीकों में दिखाने के लिए कहूँगा कि यहाँ पे जो देख रहे हैं कि भारी मात्रा पे महिलाएं यहाँ पे सड़कों पे उतर आ रहे हैं, और जो पूछेंगे कि दिन बीत रहे हैं, हफ्ते बीत रहे हैं, और ये जस्टिस मिलेगा कब, कहाँ कब मिलेगा पता नहीं। मिलना तो चाहिए ही चाहिए। हम लोग इसीलिए इधर खड़ा हुआ है क्योंकि मिलके तो दिखाऊंगा कि सिर्फ कोलकाता के भी जगह पे नहीं, बंगाल के कई प्रांतों पे 100 से ज्यादा जगह पे ऐसे ही सड़कों पर लोग उतर आए हैं, क्योंकि कल एक कार्रवाई का दिन था, जो दिन बदल चुका है, और उससे पहले कोलकाता के सड़कों पे हम जो नजर आ रहे हैं, जो दिख रहे हैं हम लोग, कि लोग यहाँ पे मोमबत्ती लेके वो निकल पड़े हैं, क्योंकि जूनियर डॉक्टरों का एक कॉल था, वो कॉल दिए थे कि घर के बत्ती बंद करके सड़कों पे ऐसे ही हाथों पे मोमबत्ती लेके लोगों को, नागरिकों को निकलने के लिए जूनियर डॉक्टरों की तरफ से एक कॉल दिया गया था। उसी कॉल पे नागरिकों अपने हाथों में मोमबत्ती लेके वो लोग निकल आए हैं, और कोलकाता के सड़कों पे उतर के वो एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि वो अभी जस्टिस के मांग पर डटे हुए हैं। वो अभी ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, उस आंदोलन पर नागरिकों डटे हुए हैं। चिरिन, बिल्कुल देवाशीष, ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, ये विद्रोह है। अब इनकी उम्मीदें सिर्फ इसी आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये अब समझ गए हैं कि सिस्टम जब तक ये हल्ला नहीं बोलेंगे तब तक उनके कानों पर जू नहीं रहेंगे। बहरहाल देखिए, कोलकाता की घिनौनी वारदात को 27 दिन गुजर चुके हैं। इन 27 दिनों में देश ने बहुत कुछ देख लिया, बंद और बवाल की सियासत भी देखी, इंसाफ के तराजू पर विरोध के बट्टे लदते हुए देखे, न्याय की उम्मीद पर राजनीतिक मुद्दों को हावी होते हुए देखा। ये सियासी शोर इतना घनघोर है जिसमें इंसाफ की आवाज कहीं गुम हो गई है। सवाल उन सियासतदानों की मंशा पर है, जांच एजेंसीज पर है, और उन किरदारों पर भी है जिनके कंधों पर डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी है। सियासी अंधेर गर्दी में इंसाफ का मुद्दा जब भी गुम हुआ है तो एक आंदोलन ने जन्म लिया है, और इस आंदोलन का नाम है रिक्लेम द नाइट। आखिर महिलाओं के लिए इंसाफ के इस आंदोलन का आगाज कहां हुआ, इसकी ताकत क्या है, और क्यों रिक्लेम द नाइट के जरिए देश भर के डॉक्टर अंधेरे में गुम इंसाफ पर रोशनी डालने के लिए निकल पड़े। इस आंदोलन की इतिहास अंधेर गर्दी में डूबे सिस्टम के लिए एक सबक कैसे है, देखिए। इंसाफ जब तमाशा बनता है, इंसाफ जब सियासी तिमिर में धूमिल होता है, इंसाफ जब माहौल बन जाता है, इंसाफ के तराजू पर जब सियासी अंधकार छा जाता है, तब उम्मीद की रोशनी में एक आंदोलन का जन्म होता है। न्याय पर जब अंधेर गर्दी की कालिमा कलंक लगाती है, तब उम्मीद की एक किरण उस अंधेरे को चीरने निकलती है। काश डॉक्टर बेटी को न्याय मिलता, काश इंसाफ अंधेरे में गुम न होता,
प्रकाश, सिस्टम जागता और डॉक्टर बिटिया के गुनहगार असली अंजाम तक पहुंचते। सोए सिस्टम की कुंभकर्णी निद्रा को तोड़ने के लिए, सिस्टम को जगाने के लिए रिक्लेम द नाइट आंदोलन ने फिर से जन्म लिया है। ये आंदोलन क्या है, इसकी ताकत क्या है, ये कैसे इंसाफ पर छाए अंधकार के बादलों को छांट सकता है? जवाब इतिहास के पन्नों में कैद है। इन पन्नों को आज हम पलटेंगे। तारीख 30 अप्रैल साल 1977, रिक्लेम द नाइट का उदय। दिन शनिवार, तारीख थी 30 अप्रैल 1977 की। जर्मनी में महिलाओं पर अत्याचार चरम पर थे। ये वो दौर था जब जर्मनी में महिलाएं घर से बाहर निकलने से खौफ खाती थी। इसकी वजह थी महिलाओं के खिलाफ बढ़ते यौन उत्पीड़न के मामले। 1977 में इन्हीं जुल्मों के खिलाफ जर्मनी की महिलाओं ने आवाज उठाई, जर्मनी की सड़कों पर प्रोटेस्ट किया और तब इस प्रोटेस्ट को नाम दिया गया टेक बैक द नाइट। जर्मनी से उठी इंसाफ की ये चिंगारी ब्रिटेन की महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी। तब ब्रिटेन में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध हो रहे थे। इन्हीं जुल्मों से मुक्ति पाने के लिए ब्रिटेन की महिलाओं ने रिक्लेम द नाइट मार्च को अपनी सुरक्षा का ढाल बनाया। नवंबर 1977 ब्रिटेन के 11 शहरों में मूवमेंट। नवंबर का सर्द महीना था। ब्रिटेन के लीड्स शहर में महिलाओं से दरिंदगी की घटनाएं बढ़ रही थी। रिपर मर्डर के जवाब में साल 1977 में ब्रिटेन के 11 शहरों में रिक्लेम द नाइट आंदोलन छिड़ गया। रिपर मर्डर में सीरियल किलर पीटर सुटक्लिफ के गुनाहों के खिलाफ पहली क्रांति छिड़ी। 1975 से 1985 के बीच पीटर ने यॉर्कशायर में 13 महिलाओं के साथ रेप और उनकी हत्या की। इस जघन्य अपराध से ब्रिटेन की महिलाएं बेहद नाराज थी, क्योंकि हत्याओं की गुत्थी सुलझाने में ब्रिटेन पुलिस का रवैया सुस्ती भरा था। लेकिन जब यह मुद्दा इंटरनेशनल अखबारों की सुर्खियां बना तो 13 महिलाओं को इंसाफ मिला। जर्मनी ब्रिटेन के बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी रिक्लेम द नाइट मूवमेंट छिड़ा। वो साल 1979 था। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में महिलाएं दरिंदगी का शिकार बन रही थी। सिडनी और पर्थ में इसी दरिंदगी के खिलाफ रिक्लेम द नाइट आंदोलन छिड़ा, जिसने सत्ता प्रतिष्ठानों की चूलें हिला दी। अमेरिका की 30 राज्यों की 5,000 से अधिक महिलाओं ने सैन फ्रांसिस्को रेड लाइट जिले में आंदोलन का आगाज किया। सुरक्षा की गारंटी मांगी, जो आगे चलकर मिली भी। कोलकाता की बेटी के लिए पूरा देश इंसाफ मांग रहा है। इसके पहले भी रिक्लेम द नाइट मूवमेंट पूरा देश देख चुका है। सन 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, तब भी देश ने सड़कों पर निकलकर इंसाफ मांगा था। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब सिस्टम ने अपनी लाचारी दिखाई है, जब तब सियासतदानों ने अन्याय में भी सिर्फ अपना फायदा देखा है, तब तब लोगों को अपनी आवाज बुलंद करने के लिए यूं ही सड़कों पर निकलना पड़ा है। और आज हम पश्चिम बंगाल में सड़कों पर कुछ इसी तरीके की ज्वाला, यही आक्रोश, यही गुस्सा देख रहे हैं। आपको लिए चलते हैं, रूमा पॉल मेरी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो विक्टोरिया मेमोरियल के बाहर कुछ इसी तरीके का प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी संख्या में जो लोग वहां पर जुटे हुए हैं, वो किस तरह से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, रूमा के जरिए जानते हैं। रूमा, सबसे पहले बता दूं कि कोलकाता का मुख्य लैंडमार्क है ये विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, जहां लाइटें 11 बजे तक बंद होती हैं। लेकिन अब आपको दिखा दूं कि ये लाइटें बिल्कुल 9:02 बाकी थे, उसी वक्त 9:02 बाकी था, उसी वक्त देखिए पूरा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है इस वक्त। और आसपास देख रहे हैं कि वी वांट जस्टिस, यहां पर मोमबत्तियां लाइटें जल रही हैं और यहां पर सिर्फ यही नारा लगाया जा रहा है, वी वांट जस्टिस, और साथ साथ बोल रहे हैं जस्टिस फॉर आरजीकर।
मतलब यही नारा हम लोग सुनते आ रहे हैं जब से ये घटना घटी है, करंदगी की घटना घटी है, और उसके बाद से आम लोग रस्ते पे हैं, सड़क पर उतर आए हैं, खास लोग भी सड़क पर उतर आए हैं। और सबसे बड़ी बात है, सिर्फ आम और खास लोग सड़क पर नहीं उतरे हैं, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, यहाँ तक कि टीचर्स, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स सभी रस्ते पर हैं, सड़क पर हैं, और यही मांग कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे ही आम लोगों में सुना, जैसे ही पता चला कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग कल नहीं हो रही है, तो लोगों में मायूसी छाई हुई थी कि वो लोग सोच रहे थे कि कब न्याय मिलेगा। न्याय के लिए रस्ते पर, सड़क पर उतर रहे हैं लोग, और यही न्याय बिल्कुल 14 तारीख की रात को हम लोगों ने देखा था, जब पूरा शहर, पूरा कस्बा, गांव, सभी लोग जाग रहे थे और कोलकाता शहर जाग रहा था। उस वक्त भी हमने देखा था कि रात को जब लोग आए थे, फिर रात जाग रहे थे, और साथ ही आज भी हम देख रहे हैं कि लोग बिल्कुल लाइटें लेकर खड़े हुए हैं, मोमबत्ती लेकर खड़े हुए हैं, और वही हम आपको दिखा रहे हैं। ये नारा लग रहा है, वी वॉन्ट जस्टिस, वी जस्टिस फॉर आरजीकर और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, जो कि 11 बजे तक लाइटें ऑफ होती हैं। अभी 9 बजने में सिर्फ 2 मिनट बाकी था, तभी लाइट ऑफ कर दी गई है, और इसी प्रोटेस्ट में लाइट ऑफ कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जब से 14 तारीख की रात से लगातार लोग सड़क पर हैं, अभी तक ऐसा कोई भी नहीं दिन गया है जहां पर लोगों ने जुलूस नहीं निकाला हो, रैलीज नहीं निकली हो। आम लोग सड़क पर हैं, महिलाएं सड़क पर हैं, पुरुष सड़क पर हैं, और सभी न्याय की मांग कर रहे हैं, और साथ साथ इंटेलेक्चुअल्स, सिने तारिका, वो सब लोग सड़क पर हैं। लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, फिर भी जब सड़क पर उतर रहे हैं तो एक दूसरे के लिए एक ही नारा है उनका, न्याय का नारा। और सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग, मैं फिर से बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग जैसे ही लोगों ने सुना कि सुनवाई कल नहीं हो रही है, तो लोगों में मायूसी छा गई थी। लोग बता रहे हैं कि कब फिर न्याय मिलेगा, न्याय के लिए लोग तरस गए हैं। ऐसी घटना, ऐसी दरिंदगी की घटना घटी है कि जब पूरे पूरे शहर को, पूरे कोलकाता नहीं कर सकते, और हमें हमारा समाधान, हमें जो अन्याय हुआ उसका न्याय चाहिए, और यही इनकी मांग है। वी वॉन्ट जस्टिस के नारों से पूरा पश्चिम बंगाल इस वक्त गूंज रहा है। एक बार फिर जरा मनोज्ञा का रुख करते हैं। मनोज्ञा, ममता बनर्जी लगातार ये कहती रही कि अन्याय नहीं होने दूंगी, और अगर अन्याय हुआ है तो न्याय तक मैं लेकर जाऊंगी, उस लड़ाई में मैं बेटियों के साथ हूं। फिर आज क्यों इन बेटियों को, इन महिलाओं को, इन लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा? क्योंकि शायद भरोसा खत्म हो चुका है, सिर्फ इंतजार हाथ में है और कुछ नहीं। एक घर, एक परिवार नहीं, पूरा शहर आज सड़कों पर है, और ऐसे सड़क पर है, मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं शिरीन, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ लोग खड़े हुए नजर आएंगे, हाथों में मोमबत्ती लेकर, किसी को किसी से बात नहीं करनी है, सब यहां पर चुपचाप एक ही बात कह रहे हैं, हमें जस्टिस चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। किसी भी भाषा में हो, वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, बांग्ला हो, हर एक में सिर्फ एक ही सवाल, यहाँ जितने लोग आए हैं ये वही सवाल कर रहे हैं कि मिलो, जस्टिस कब मिलेगा, जस्टिस के लिए। मैम यहाँ पर आई हैं, आपको किसी ने बुलाया? यहाँ पर जितने लोग आए हैं सब मोमबत्ती हाथ में लेके आए हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? ये संदेश जो दे रहा है, हमारा जो अंधकार जो कानून, जो अंधकार में है, उसका मोमबत्ती जला के, उसका मोमबत्ती जला, वो लिए आया है, विचार के लिए आया है, जो विचार पाने के लिए आया है, जो आज के हमारा जो घर पे मैं अच्छे जे गर्ल अच्छे वो चले, अब चला गया, लेकिन और तो आए, तो और जे बड़ी बात है, उन महिलाओं के लिए, उन व्यक्तियों के लिए, उन बेटियों के लिए आए हैं। आप लोग सब यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर इंसाफ की मांग, मोमबत्ती एक लेकर क्या बदलाव होगा? सोचते तो होना चाहिए ये बदलाव, नहीं हो तो बहुत अफसोस की बात है, पर हम लोग जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इस समय बहुत सारे लोग यहाँ पर सड़कों पर हैं, हाथ में मोमबत्ती लेके। मनोज्ञा आप बात कर रही है ना, तो उन लड़कियों में, उन महिलाओं में वो निराशा झलक रही है, और साथ ही उस निराशा के पीछे वो गुस्सा है, जो गुस्सा आज सड़कों पर उतर आया है, क्योंकि सब बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि हमें न्याय आखिर कब मिलेगा, और यही इस आंदोलन का मकसद भी है।